हाय दोस्तों, मज़ेदार खाना में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबी स्पेशल कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमको 2 टेबल स्पून ऑयल और अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ अनियन, ये देखिए, ये उसमें डाल के फ्राई अच्छा करना है। उसके बाद ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छा फ्राई होने के बाद में और काजू, ये देखिए, अच्छे तरीके से डाल के इसको फ्राई करना है हमको। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद में और इसमें पुदीना ऐड करेंगे, क्योंकि एक प्लेट के क्वांटिटी है सब मैं बना रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा थोड़ा सब ऐड करेंगे इसमें, ये देखिए। उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, ये अच्छे तरीके से पका ले, पक जाएगा फ्राई अच्छे से हो जाने के बाद, क्योंकि टमाटर का स्मेल नहीं आना चाहिए, इसलिए अच्छा फ्राई करें तो टमाटर का स्मेल चल जाता है। ये देखिए बोनलेस चिकन, क्योंकि मैं पहले से इसको फ्राई कर रखा हूँ, ये डालूँगा अच्छे तरीके से इसको डालने के बाद, क्योंकि चिकन का स्टॉक वाटर मेरे पास है वो इसमें यूज करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से इसको पानी डालने के बाद, ये देखिए अच्छे से फ्राई कर लेना है हमको। फ्राई हो जाने के बाद में इसमें हम ग्रेवी ऐड करेंगे, ये देख लीजिए थोड़ा ग्रेवी, अच्छे तरीके से इसको डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी मसाला बताऊंगा मैं आपको, नमक, चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, कस्तूरी मेथी, हल्का सा ब्राउन अनियंस, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर ज़रा डाले तो ग्लेजिंग और दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले से मैं बिरयानी रेडी करके रखा हूँ के लिए। ये होता है, ये देखिए सीबी स्पेशल, अब ये तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको बिरयानी ऑलरेडी मेरा रेडी है, धनिया पत्ता ऐड करेंगे, ये देख लीजिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप भी इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये देखिए बिरयानी मेरा रेडी है, बिरयानी का बड़ा बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये देख लीजिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। अंडा उसके ऊपर रखेंगे गार्निशिंग के लिए, बहुत अच्छा दिखता है, देख सकते हैं आप। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।